ऑल राइट फ्रेंड्स, तो जी आज है हमारी लॉन्ग जर्नी का डे। तो हमारे साथ गाड़ी में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। जाओ साहब, कैसे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम। छोड़ो यार आशी भाई, क्या हो गया तेरे को यार? सुबह सुबह आपको दो बजे दो दफ़ा मैंने आपसे पूछा है पौने सात। एक बंदे की कोई टाइमिंग होती है, कोई वैल्यू? अबे यार, जाओ, सॉरी यार, बस। अखलाक भाई कैसे हैं आप? सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर बस सर, कैसे हैं? सर ठीक है। मेरे ख्याल से सफ़र की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जावेद भाई, अगर नाराज़ ना हो तो ये बैग पीछे रख दूँ मैं? सर थैंक यू सर। जाओ भाई, बहुत गुस्से में, लेकिन क्या है, कभी कभार ऐसे होता है यार। जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर मैं खुद फर्स्ट टाइम एवर जा रहा हूँ, और रास्ता हमें पता नहीं है, तो हमें जो है वो गूगल मैप के थ्रू हम लोग थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं। पहले हम किसी और रूट पर चढ़ गए थे, अभी हम किसी जो प्रॉपर रास्ता है उस पर जा रहे हैं। तो इखलाक साहब का कहना ये है कि अंधों ने मुल्तान ढूँढ लिया था, तो हम ये इलाका क्यों नहीं ढूँढ सकते? तो मैंने ये कहा कि भाई आखिर अंधे हैं कौन से भाई? ये सिर्फ बचपन से मिसाल सुन रहे हैं कि अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, लेकिन वो अंधे हैं कौन से? अंधे तो बेचारे मर गए ना, उन्होंने ढूंढ के दिखाया और उसके बाद मर गए। मिसाल कायम कर ली, वो कहते नहीं कुछ ऐसा काम करके जो तारीख याद करती रहे। तारीख पे तारीख। तो भाई गूगल मैप के हिसाब से 5 घंटे का रास्ता अभी भी है, अभी हम हाला नाके पर पहुंचे हैं। 5 घंटे मतलब चकमाबाद से भी दूरी का, चकमाबाद ही 4 घंटे पहुँचते हैं। नहीं भाई, जैकवाबाद से, जैकवाबाद वाला रूट अलग है, ठीक है, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल हाईवे के थ्रू चलता है, इस वजह से वो कम टाइम लेता है। लेकिन ये रास्ता जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन सुनने में आया है कि वो रास्ता भी अच्छा बन चुका है। अब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जाएंगे तो पता चलेगा। काली जबान वाला ये रास्ता ही ऐसा है, निकलते वक्त तूने यही बोला था यहाँ से इस रास्ते से नहीं चलते, फाटक बंद होगा। मुझे पता है कि वो फाटक बंद ही रहता है। काली ज़बान, अब चुप रहना बस, ठीक है, चुप। जाओ भाई, शायर कहता है कि पंछी नदिया पवन के झोंके, इन्हें सरद ना कोई रोके। क्या बात है, क्या बात है लाला तुम्हारी। सरहदें इंसानों के लिए हैं, हमने क्या पाया इंसान होगा। वाह वाह यार, शायर कौन है आशी भाई? ये निकले हो करेंगे इसको दो चाय पिलाना भाई। इखलाक शायर है, हमसे तो कुत्ते अच्छे हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। क्या बात है, ना कुत्तों को छोड़ते हैं ना कबूतरों को छोड़ते हैं, इवन कबूतरों को भी लास्ट टाइम जाओ भाई, वो कबूतर को भी पकड़ के इन्होंने बॉर्डर पर सारा उसको काट पीट किया था। कहीं इसमें कोई कैमरा मरा तो नहीं भेजती आजकल? यह दौर है, मतलब तू कुत्ता बन के या कबूतर बन के चला जाए। अच्छा, तब्दीली आ गई। चल चल चल, फोकस ऑन द रोड भाई, फोकस ऑन द रोड, बहुत बड़ा सफर है। अभी हम जो है मीरपुर खास क्रॉस कर चुके हैं, वहाँ से बेनज़ीर चौक हमने क्रॉस करके और राइट टर्न लिया, और उसके बाद 8 किलोमीटर के बाद हमने किनाल रोड पर चढ़ना है, तो हम थ्रू हो जाएंगे
उस रोड पर जिस पर हमने चढ़ना है। यहाँ का पानी ऐसा ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे बारिश सुबह को भी हुई है। सुबह को बारिश हुई होगी लेकिन रात में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। जो हमने लेटेस्ट अपडेट्स ली थी लोगों से तो उन्होंने ये बताया कि रात को ठीक ठाक बारिश हुई यहाँ पर। तो अगर सुबह को भी बारिश हुई तो अच्छी बात है, मौसम अच्छा है। पानी खड़ा हुआ है ना रोडों पे, तो यानी बारिश हुई है। यार तू तजर्बेकार आदमी है सर। वेदर फोरकास्ट वाली मशीन ली भी तो नहीं है तूने? आशी भाई गूगल क्या कह रहा है, कितने घंटे बाकी? भाई बाकी 3 घंटे और 36 मिनट। अच्छा 3.5 घंटे, तो 3.5 घंटे की ड्राइव अभी भी है। तो उस हिसाब से तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, 10, 11, 12, 1, 1 से 1.5 बजे का टाइम इंशाल्लाह उस जगह। इंशाल्लाह। आशी भाई सुबह से चल रहे हैं यार, कुछ चाय वाय का आसरा है नहीं है? भाई हमारी 6 घंटे की ड्राइव है, कम से कम भी 3 घंटे की ड्राइव हो जाएगी तो हम गाड़ी को गैप देंगे। फिलहाल अभी भी हमारे पास आधा घंटे की ड्राइव और है। गूगल बता रहा है? जी गूगल ये नहीं बता रहा कि चाय काफी नहीं, गूगल सब बताएगा। गूगल ने ये भी बताया है कि तेरा अब्बू घर पे क्या कर रहा है। इस इलाके की खूबसूरती वाले हिस्से शुरू हो चुके हैं। आप अभी रस्तों की खूबसूरती देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बाहर की कंट्री में हो, लंदन में हो, वेल्स में हो, अंग्रेजों वाला सिलसिला आपको नजर आएगा। इतने खूबसूरत रस्ते बने हुए होंगे, रस्तों पर चौकिंग की हुई होगी, साइन बोर्ड्स लगे हुए होंगे। अभी बारिशों की वजह से इस इलाके में चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। मेरे ख्याल से अभी आप समझना शुरू हो गए होंगे कि मैं किस इलाके की बात कर रहा हूँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो जी आप बिल्कुल सही समझे, ये हैं थर की हसीन वादियाँ। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर बंजर और रेगिस्तानी होता है लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे बारिशें होने की वजह से आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट थर। यहाँ के लोग बड़े प्यार वाले हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं और मेहमान नवाज भी हैं, जिसकी जिंदा मिसाल ये है कैफे थर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जी 3 घंटे की बल्कि 3.5 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद अब हम आके रुके हैं एक चाय की होटल पर जिसका नाम है कैफे थर। और इस भाई ने बड़ा तंग किया यार, इसने हर 10 मिनट में कहता है यार रोको चाय पिए। यार कोई शराफत होती है भाई, तू रिकॉर्डिंग चल रही है यार, सारा दिन देखो मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं है। हेलो, देखो भरम ही खत्म नहीं होते भाई के यार। जी जी जी। अच्छा भाई इखलाक साहब कैसा लगा आपको चाय का? माशाल्लाह अच्छा है ना, सेटअप कितना कमाल रखा हुआ है। चाय मैं देख कर आया हूँ यार, चाय बड़ी मस्त तरीके से निकाली है उसने। आपको उसका बीरोल दिखाते हैं और उसके बाद हम चाय को एंजॉय करते हैं, उसके बाद गाड़ी में आपसे मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं।
यार अखलाक भाई, बाबा साहब गाड़ी हमने गलत खड़ी की ना, क्यों? बिल्कुल यूं चढ़ा के हमने गाड़ी खड़ी की थी यार, पता चले ना कि आए हैं जबलों पहाड़ों पे। नहीं यार ये हैजर्ड है, पता है खुदा ना खास्ता कर इसके हैंड ब्रेक्स काम ना करे तो गाड़ी पीछे आ जाए। वो तो अकलमंदी की मैंने, ईंटें लगा दी टायर के नीचे। आप ट्रक ड्राइवर थे आखिर भाई, क्या है पीने में 20 मिनट लगा दिए आपने यार। सर 20 मिनट नहीं, आपने पूरे 35 मिनट लगाए, माजरत के साथ पूरे 35 मिनट। चाय पीने के लिए उतरे थे लेकिन आप लोगों ने फिर खाना भी खाया। इसको भूख लग रही खलाक को, भूखा है नदीदा, भूखा नदीदा लुद्धा कहीं का लुद्धा बड़ा भूखा।